हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब प्रोडजी। दोस्तों, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विप्रो की तरफ से आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो विप्रो की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है वो जॉब रोल रहने वाला है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की तो आप बीटेक वाले यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर मैं बैच की बात करूँ तो यहाँ पे 2022 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर एलिजिबल रहने वाले हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करेंगे, इससे पहले कहेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जॉब की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो इस वाले पेज पे चले आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं विप्रो ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022, विप्रो इलाइट फ्रेशर्स प्रोजेक्ट इंजीनियर्स अक्रॉस इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे आइएगा, अबाउट विप्रो के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ तो विप्रो नेशनल लेवल टैलेंट हंट 2021 डिटेल जो रहने वाला है, आपका जो जॉब रोल रहने वाला है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स का रहने वाला है एंड क्वालिफिकेशन बी बीटेक, बैच 2022 पास आउट। अगर मैं सैलरी की बात करूं, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, 3.5 लाख पर एनम की आपकी सैलरी रहने वाली है। जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो अक्रॉस इंडिया रहने वाला है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं फॉर विप्रो के लिए, जो नेशनल टैलेंट हंट का रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए, तो 10th एंड 12th में आपका 60% होना चाहिए एंड 60% इन ग्रेजुएट। तो दोस्तों, यहाँ पे नो पार्ट टाइम और कोरस्पोंडेंस और डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन इन आइदर 10th और 12th और डिग्री। तो दोस्तों, ऑल ब्रांच आर अलाउड। दोस्तों, कोई भी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है एक्सेप्ट फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, नियर अबाउट क्या, लगभग पूरा ही ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने एक और अच्छी बात बोली है, यहाँ पे लिखा हुआ है वन बैकलॉग इज अलाउड टिल द ऑफर स्टेज। मतलब ऑफर लेटर से पहले अगर आपका एक बैकलॉग अगर है तो ठीक है, आप उसे क्लियर कर लीजिए। दोस्तों, ईयर ऑफ पासिंग 2022 जो इस समय फाइनल ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर ऑफ गैप अलाउ इन द एजुकेशन। दोस्तों, यहाँ पे 3 साल का गैप होना चाहिए। बी बीटेक कंपल्सरी डिग्री है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होने वाला है वो कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन, असेसमेंट, बिजनेस डिस्कशन। दोस्तों, हम आते हैं विप्रो इलाइट पे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई विप्रो इलाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फर्दर इसके नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि 3 ईयर ऑफ गैप अलाउ इन एजुकेशन 10th टू ग्रेजुएट। तो दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी बीटेक कंपल्सरी डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 25 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपका जो पोस्ट रहने वाला है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स का, और यहाँ पे अगर आपकी सैलरी की बात करें तो INR 3.5 लाख पर एनम की सैलरी पैकेज रहने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट जो आपका होगा, जो बॉन्ड होगा वो 12th मंथ का होगा, मतलब मिनिमम आपको 1 साल काम करना ही होगा। एंड वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, ये सब सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। और नोट एक लिखा है, विप्रो डज नॉट चार्ज एनी फीस एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब ये कोई ऐसा पैसा नहीं लेता कि आप पैसा दीजिए और हम आपका रिक्रूटमेंट करा देंगे, आपका सिलेक्शन करा देंगे, इंटरव्यू स्केड्यूल करवा देंगे, सारी चीजें। तो ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये कोई चार्ज नहीं लेते हैं, तो आप फ्रॉड से बच के रहिएगा। दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ लिखा हुआ है। देन असेसमेंट देना होगा, फिर बिजनेस डिस्कशन होगा, देन लेटर ऑफ इंटर्न, देन ऑफर लेटर आपके हाथ में। तो दोस्तों, सुपर सेट की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो सुपर सेट का रजिस्ट्रेशन का पेज होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट रजिस्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी आप सुपर सेट पे हैं देन साइन इन करके अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो यहाँ पे स्टार्ट रजिस्ट्रिंग करके आप सबसे पहले अपना जीमेल आईडी डालिएगा, पासवर्ड बनाइएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल क्वालिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, सारी चीजें डालने के बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। देन उसके बाद ऑलरेडी हैव सुपर सेट अकाउंट, अगर किसके पास है तो साइन इन करके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, अगर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।